हेलो दोस्तों, आप सबका यूनिक टारगेट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज लाया हूँ। आपको पता होगा कि लिमिट और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना हालत ख़राब हो जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, और इसके बाद मेरा क्लास अटेम्प्ट करने के बाद Please subscribe to आप my channel खुद and से don't देखना forget to कि click आपके on अंदर bell में क्या icon बदलाव button to आया get है, कि आप notification क्वेश्चन for कर new पा रहे हैं कि नहीं updates. कर पा रहे हैं। आपको पहले क्या आता था, क्या नहीं आता था, बहुत सारे बहाने मिलते थे कि लिमिट लिमिट जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत टफ है। तो ये आज क्लास अटेम्प्ट करने के बाद आप भूल जाइएगा कि आपको टफ लग रहा होगा, पानी की तरह आपको लगेगा। ये आपका फर्स्ट लिमिट का क्लास है। इसमें देखिए एक्चुअली क्या ना, लिमिट है क्या, मैं आपको बता दूं कि कैलकुलस का एक परिवार है। कैलकुलस का परिवार जैसे बोले तो लिमिट है, डिफरेंशिएशन है और डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव के नाम से बोलते हैं, और इंटीग्रेशन है, ठीक है। लिमिट इंटीग्रेशन भी आता है, डेरिवेटिव में लिमिट लिमिट डेरिवेटिव के नाम से भी आता है, एक लिमिट आता है वैल्यू, ठीक है। तो ये एक फैमिली मेम्बर है इसके, जैसे आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन होंगे उसी तरह एक फैमिली मेम्बर है लिमिट, ठीक है। तो कैलकुलस के एक परिवार है, क्या है, डेरिवेटिव और लिमिट और इंटीग्रेशन जो है ये क्या है, कैलकुलस का एक परिवार है। तो कैलकुलस के परिवार में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मैं इससे पहले जितने भी हमने 6 लेक्चर लिया था उसके बाद जो है हमने आपको बताया था कि मैं लिमिट का टॉपिक मैं छोड़ाया हूँ, ताकि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देने के बाद मैं लिमिट पे आया, ताकि आपको अच्छे से मैं और भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। और जो भी IIT या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये लेक्चर, क्योंकि मैं यहीं पर आपका ये लंबा क्लास चलेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपका पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, और जितने फार्मूले लगते हैं फार्मूला बेस पे शॉर्ट ट्रिक के साथ टोटल मैं यहाँ पे क्वेश्चन को इंक्लूड करूँगा। तो आप अच्छे से देखिएगा इसको और पेन कॉपी लेके बैठिएगा, तो आपकी आपको अच्छे से समझ आ जाए। लिमिट में देखिए, लिमिट में एक्चुअली बात करें तो एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको हम लिमिट समझाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप जो है ना, एक मिनट से पहले अपने पास एक पानी रखिए, एक गिलास पानी रखिए, और उसको ले करके अपने पास रखिए, ताकि ये थोड़ा सा लंबा क्लास चलने वाला है, आप उठिएगा नहीं, आप प्रॉपर मेरे साथ बैठिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि मैंने जैसा आपको बोला वैसा आपने किया, ठीक है। नहीं है तो आप पेन पेन कॉपी लेकर और अच्छे से पानी लेकर बैठिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्लास छोड़ के मत जाइएगा। आप इसको एक सीरियस माइंड में देखिएगा, ताकि है ना आपके आसपास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस चीज़ को सब भुला करके इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ लिमिट। ये थोड़ा सा लंबा क्लास इसलिए मैं लिया हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमा, ठीक है, सीमा एवं सतत्ता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा एवं सतत्ता, ये हिंदी वर्ड है। देखिए, लिमिट बोला जाए तो देखिए, अवकलन समाकलन ये पढ़े ना, अवकलन और समाकलन में हम क्या करते हैं, सीमा एवं सतत्ता के निर्माण करते हैं। जैसे बोले तो लिमिट लगाते हैं, लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो पहले हमको लिमिटिंग पढ़ाया जाता है, लिमिटिंग वैल्यू पहले कैसे फाइंड करते हुए बताता है, फिर डिफ्रेंशिएट आर डेरिवेटिव में लिमिटिंग का वैल्यू रखते हैं, फिर इंटीग्रेशन में आर समाकलन में, ठीक है, लिमिट का वैल्यू रख कर निकालते हैं। तो हमें पता ये चला, देखिए लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक जाएगा आपका, अच्छे समझिएगा। मान लेते हैं f(x) क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे दिया है x² और यहाँ पे दिया है -5, चलिए +5 और माइनस, यहाँ पे दिया 5x और -2 दिया हुआ है, ठीक है, x² + 5x और -2। तो यहाँ पे बोल रहा है कि x बराबर जो है
टू रखने पे एक्स वाई कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे वन भी दे सकता है, माइनस टू भी दे सकता है, टू भी दे सकता है, थ्री भी दे सकता है, फोर फाइव कुछ भी दे सकता है एक्स के स्थान पे। तो इस केसेज में जो है हम यहाँ पे तो रख के आराम से वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एफ टू बराबर अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा तो जहाँ पे एक्स देख रहा हूँ वहाँ पर टू रख दीजिए, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा देखिए, ये फोर और प्लस, देखिए फोर और यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस में है तो टेन, फोर्टीन, फोर्टीन में से टू जाएगा तो कितना होगा ट्वेल्व आ जाएगा, कितना जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा ठीक है। तो ये तो मान लीजिए कि एक्स बराबर टू दे रहा है, तो अब इसको लिमिट के हिसाब से अगर मैं लिखूँगा तो इसको क्या लिखूँगा कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स टू टू, ठीक है, लिमिट एक्स टू टू। जब अब आपका फंक्शन क्या दे रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और माइनस टू दे रहा था, तो जहाँ पर एक्स का मान दिख रहा है वहाँ पर क्या करेंगे आप टू रख देंगे, जहाँ पे x का मान दिख रहा है वहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू माइनस टू बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट हम क्या करते, देखिए इससे भी यही आंसर आ रहा था और लिमिट भी रख दिए तो इसका आंसर ये आ गया। तो देखा जाए तो ये हमको तो लिमिट देने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिमिट दिया है। तो देखिए थोड़ा सा और समझाते हैं आपको, क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप नोट करते चलिएगा जैसे हम कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं एक फंक्शन उठा लेते हैं एफ एक्स बराबर यहाँ पर लेते हैं टू का क्यू माइनस एट, सॉरी एक्स का क्यू माइनस एट कर देते हैं, एक्स का क्यू माइनस एट यहाँ पर कर देते हैं x माइनस टू। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे x बराबर अगर मैं 2 रखता हूँ, है ना, x बराबर मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ 2 रखता हूँ, तो उस केसेस में अगर मैं बात करूँगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो हमने बताया था कि अगर 2 के पावर 3 और माइनस 8 करते हैं और यहाँ पे क्या 2 माइनस 2 करते हैं, तो ये क्या आएगा 0 बाई 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, इनडिटरमिनेट फंक्शन बताता है ये, मतलब अनडिफाइंड है, ये क्या है, अनडिफाइंड फंक्शन बताता है। तो ऐसा तो अभी तक तो मेरे हिसाब से इसका सलूशन अभी तक मिल नहीं पाया है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 0 बाई 0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर आता है, ठीक है, तो इसका जो है, इसको जो है आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हम बताएंगे, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेंट फंक्शन को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इस केसेज में हम इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप क्या कर रहे थे, एक्स बराबर टू रख रहे थे, यहाँ 8 माइनस 8 बराबर 0, यहाँ पर 2 माइनस 2 करते 0 आ रहा था, 0 बाई 0 के रूप में दे रहा है, तो ये फंक्शन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केसेज में हम इसको जो है एक काम करेंगे, देखिए इस केसेज में इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है देखिए, इसको इस टाइप के अगर 0 बाई 0 चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर आता है, तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है लिमिटिंग वैल्यू के हिसाब से, एल हॉस्पिटल रूल, आप नाम सुने होंगे, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो इस केसेज में हम बात करेंगे अभी फिलहाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इतना पता चला ना आपको कि अगर 0 बाई 0 चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो इस केसेज में अभी हम यल हॉस्पिटल रूल बताएंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 बाई 0 अगर आता है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर आता है, तो ये क्या है कि डिफाइन नहीं है, ठीक है। ये 0 बाई यहाँ पे कुछ भी, देखिए अगर यहाँ पे कुछ भी एक्स यहाँ पे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो मैं कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे एक्स का स्थान पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, तो अगर ऊपर में अगर 0 आता है, ऊपर में अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू क्या देगा 0। 0 क्या है, एक डिफाइंड वैल्यू है, क्या ये डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर इसी केसेज में अगर यहाँ पर क्या आता है 0, मान लेते हैं यहाँ पर क्या दे रहा था एक्स डिवाइड अगर 0 दे रहा है, तो इस केसेज में क्या आएगा इन्फिनाइट आएगा, क्या आएगा इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पता चलिए अभी इस केसेज में भी इन्फिनाइट दिखाया तो ये अनंत है, ठीक है, दिखाया तो ये इन्फिनाइट है, ठीक है। तो इस केसेज में इसको ना करके मैं यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इस केसेज में ये क्या रहा है 0 बाई 0 आ रहा है, तो इस केसेज में क्या इन्फिनिटी देगा, क्या देगा
इन्फिनिटी देगा, ठीक है। तो अगर 0/0 अगर आ रहा है या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर आ रहा है तो उस केसेस में क्या सकते हैं कि ये क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इस रूल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या दिया गया, एल हॉस्पिटल रूल दिया गया है, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए कि इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा सा, देखिए लिमिट में एक टॉपिक है कंटिन्यूटी, क्या है कंटिन्यूटी, ठीक है। एक टॉपिक है डिस कंटिन्यूटी, ये समझिएगा लिमिट में दो टॉपिक है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। इसको बोलते हैं हिंदी में सततता और इसको बोलते हैं असततता, सततता और असततता। असततता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा लिमिट कंटिन्यूटी फंक्शन क्या होता है, लिमिट कंटिन्यूटी फंक्शन एग्जांपल समझिएगा कि मान लेते हैं एक ग्राफ हम बनाते हैं, सपोज ये मान लेते ग्राफ हमारा है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स एच और वाई एच दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, यहां से मान लेते हैं कोई ग्राफ मेरे को खींचना है, ध्यान दीजिएगा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हम ये आपको बता रहे थे कि लिमिट में अगर कंटिन्यूअस या कंटिन्यूटी या सततता की बात करता है तो पेंसिल हो चाहे पेन हो कुछ भी हो, अगर मैं ग्राफ अगर खींच रहा हूँ तो मुझे अगर हाथ अगर उठाना पड़ता है, एक लाइन मेरे को खींचना है, ये ऐसे खींचना है, ठीक है। तो क्या करा है? मैं यहाँ से पकड़ा और ऐसे खींच दिया तो ये क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। मान लेते ये ग्राफ खींचा हुआ है, बाय द वे देखिए ये ध्यान दीजिएगा यहाँ से ग्राफ गया ये, क्योंकि हमको पेन उठाना नहीं पड़ा, ये क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसी तरह ध्यान दीजिएगा मेरे को ग्राफ बनाना है ऐसे ऐसे और फिर इसको ऊपर ले जाना ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो देखिए अब इस केसेज में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको ले गया यहाँ तो लाए, लेकिन यहाँ पर ले ऊपर ले जाने के लिए मेरे को क्या कर रहा है, पेन को रोकना पड़ा है ना, पेन को क्या करना पड़ा है रोकना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर नीचे लाने के मेरे को पेन क्या करना पड़ा है रोकना पड़ रहा है। फिर इधर ले जाने के मेरे को रोकना पड़ रहा है। तो जहाँ पर पेंसिल या पेन की नोक जब रोके, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है वह डिसकंटिन्यूटी होता है, क्या होता है डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई ग्राफ में अगर किसी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट अगर ग्राफ खींचते हैं तो पेंसिल बिना उठाए अगर जहाँ तक उसकी ग्राफ बनेगी वह कंटिन्यूअस होगा, मतलब उसको बिना उठाए पेंसिल को जितना ग्राफ बनेगा वह कंटिन्यूअस होगा। और डिसकंटिन्यूअस क्या होगा कि अगर कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो पेन को अगर उठा देते हैं, बाय द वे जैसे ये हम मेरे को बनाना है ये ऐसे गया फिर नीचे लाया ये ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ले जाने के लिए तो मेरे को उठाना पड़ा, यहाँ पर तो ठीक है यहाँ तक पेन नहीं उठाना पड़ा, लेकिन नीचे लाने के मेरे को रुकना पड़ा ना। तो जहाँ पर पेन के नोक रुक जाए या पेंसिल के नोक रुक जाए वहाँ पर क्या बताता है वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बताता है, क्या बताता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बताता है, ठीक है। तो आपको तो ये पता चल गया होगा कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस असततता लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हमारा टॉपिक है लिमिट का, इसमें देखिए लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IIT और JEE में जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वहाँ पे इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और सटीक आंसर भी आता है, इसका इजी तरीके से आंसर आता है। तो आपको हम दोनों तरीक़ा से बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर हमसे तैयारी कर रहे हैं तो आप ये भी सोच के बैठे कि आप एक एंट्रेंस के तैयारी के हिसाब से यहाँ पे मेरा जो है लेक्चर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उसके पर्पस से हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं, मान लेते हैं देखिए अगर हमारे लेते फंक्शन f(x) = आपका स्टार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है मैं उठाता हूँ यहाँ पे, मान लेते यहाँ पे क्या दे रहा है x³ + 5 दे रहा है। अब देखिए एकदम सीरियस माइंड से एकदम देखिएगा, x = 1 दे रहा है इस केसेज में,
ठीक है, तो इसको करेंगे एफ वन निकालेंगे, एक्स के स्थान पे क्या करेंगे वन पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा, वन प्लस वन के पावर में थ्री, मतलब वन के पावर इंटू कुछ भी हो तो वन ही आता है, तो वन प्लस फाइव बराबर सिक्स आता है। इसी को क्या करता है लिमिटिंग वैल्यू से अगर फाइंड करता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यू और प्लस फाइव, यहाँ पर क्या करता है लिमिट एक्स टू वन करता है, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्या रखता है ये वन रख दिया होता है, तो इस केसेज में क्या होता है यहाँ पर जहाँ पर एक्स है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि लिमिट का वैल्यू फाइंड, लिमिट जो है उसका वन दिया हुआ है, जहाँ एक्स है वहाँ पर वन रख दीजिए, तो इस केसेज में वन का क्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा वन का क्यू प्लस फाइव बराबर सिक्स, दोनों केसेज में तो आपको फाइंड हो गया है ना, तो पता चल गया होगा कि आप लिमिट इस रूल से निकाल सकते हैं। और जब आपको हमने बताया कि अगर जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो वहाँ पे थोड़ा सा टफ आएगा, क्योंकि वह क्या है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, जीरो बाय जीरो चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है तो वह क्या है अनडिफाइंड है, तो इसको वहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, डायरेक्ट आपको एल हॉस्पिटल रूल पर नहीं ले जाएंगे, पहले बेसिक देते हुए मैं वहाँ पे पहुँचूँगा ताकि आपको इजी लगे। तो कुछ फार्मूले हैं जो कि मैं आपको नोट कराता हूँ, कुछ फार्मूले हैं कि मैं आपको नोट कराता हूँ। लिमिट को स्टार्ट करने से पहले ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं कि मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइड एक्स माइनस थ्री हो रहा है, एक्स माइनस थ्री है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या रखेंगे, अगर आप थ्री रखते हैं, ध्यान दीजिएगा जहाँ पे एक्स है वहाँ पे अगर आप थ्री रखते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, अगर आप यहाँ पे थ्री रखते हैं तो थ्री का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे और माइनस नाइन डिवाइड थ्री माइनस थ्री, ध्यान दीजिएगा नाइन माइनस नाइन और थ्री माइनस थ्री बराबर जीरो, जीरो बाई जीरो, ये क्या है ये डिफाइंड नहीं है ना, इसको तो हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको जीरो बाई जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया, तो इसका जो है सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, फिर मेरे को लिमिट लिया गया है, क्या लिया गया है लिमिट लिया गया है, तो इस केसेज में सॉल्व करने के लिए मैथड जो है रॉन्ग हो जाएगा इसको, क्योंकि ये जीरो आ गया ना, क्या है जीरो बाई जीरो फॉर्म में दिया है, तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस केसेस में मेरे को यहाँ पे क्या बोलता है लिमिट लगाइए, क्या बोलता है ये लिमिट लगाइए, तो मैं क्या काम किया यहाँ पे लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्स टू थ्री, तो ये बोल रहा है लिमिट अगर एक्स के मान अगर थ्री पुट कर दें, डायरेक्ट आप पुट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर डिवाइड सॉरी थ्री का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, अब ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक करेंगे एक्स माइनस थ्री ब्रैकेट में एक्स प्लस थ्री डिवाइड एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस थ्री बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स प्लस थ्री बचेगा, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिमिट क्या रख देंगे थ्री रख देंगे, तो थ्री प्लस थ्री बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे सिक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इस टाइप के हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया सिक्स आ जाएगा, ठीक है। मान लेते इसी क्वेश्चन को देखिए, इसको हम साफ कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर फोर माइनस सिक्सटीन डिवाइड, यहाँ पे क्या हमने लिया एक्स के पावर फोर माइनस सिक्सटीन डिवाइड एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, अगर मैं यहाँ पे एक्स बराबर टू रख दूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा एल हॉस्पिटल रूल पर अभी हम नहीं आएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ बताने के बाद अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल पर आता हूँ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक्स के स्थान पर टू रखता तो टू के पावर फोर बराबर सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जीरो दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टू है एक्स के स्थान पर टू माइनस टू करेंगे तो जीरो आ रहा है, ये भी क्या दे रहा है जीरो बाई जीरो दे रहा है, तो ये क्या होगा डिफाइंड नहीं है ना, इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं मिला है सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे इस केसेज में आप जो है लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे इस केसेज में आप जो है लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टू टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू
ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टू टू एक्स के पावर फोर माइनस 16 और डिवाइड यहाँ पे एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। ठीक है, अब ध्यान देगा हम क्या लिए यहाँ पे, देखिए इसको इस केसेज में हम कह सकते हैं क्या कि टू एक्स के पावर टू, एक्स के पावर में टू का होल स्क्वायर और माइनस टू का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चार चार का स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर तो 16 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा एक्स माइनस टू आएगा। अब ध्यान देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर एक बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर डिवाइड एक मिलेगा एक्स माइनस टू मिलेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई में होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस केसेज में हम जब बात करेंगे यहाँ पे क्या जाएगा एक्स माइनस टू ब्रैकेट में एक्स प्लस टू, यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब समझिए ये जो है टू एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू आपस में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप कि लिमिट यहाँ पे टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टू दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे आप जो है वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो टू प्लस टू यहाँ पे क्या आएगा टू का स्क्वायर और प्लस टू का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये फोर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा फोर आएगा इन टू टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, फोर फोर एट आएगा यहाँ पे, कितना आएगा एट आएगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 32, कितना जाएगा 32। तो आपको तो समझ आ गया कि यहाँ पे लिमिट मैं किस लिए रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि x बराबर मैं 2 रख दिया होता तो ये 0/0 फॉर्म में दे दिया होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं लगाते इसको। ठीक है, तो इस केसेज में इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। देखिए फंक्शन दिया x माइनस वन डिवाइड टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव दिया हुआ है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे वन अगर मैं पुट करता हूँ ये जीरो, और अगर मैं यहाँ पे वन पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या अगर टू और माइनस सेवन और प्लस फाइव, तो सेवन ये भी जीरो दे रहा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म में दे रहा है, तो यहाँ पे जीरो बाय जीरो फॉर्म में तो ये डिफाइंड नहीं है। तो इस केसेज में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका फैक्टर निकालूंगा, क्या करूँगा मैं इसको फैक्टर निकालूंगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा लिमिट एक्स टू वन एक्स माइनस वन डिवाइड, ध्यान दीजिएगा इसका इसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो फैक्टर निकालने के आप तरीका सीखे होंगे कि इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मैं इसको टू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर टेन का मैं फैक्टर निकालता हूँ तो क्या निकलेगा फाइव निकलेगा या टू निकलेगा, फाइव इंटू टेन, फाइव इंटू टू करेंगे तो टेन आएगा, है ना। तो ये या तो टू में अब क्या ऐड करने पे इसका जो है सम माइनस सेवन एक्स आना चाहिए, तो माइनस से माइनस फाइव और माइनस टू देते हैं तो माइनस टू एक्स और माइनस फाइव एक्स, और यहाँ पर ऑलरेडी फाइव दिया हुआ है ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो इस केसेज में यहाँ पे क्या जाएगा लिमिट एक्स टू वन एक्स माइनस वन डिवाइड, देखिए यहाँ पे क्या टू एक्स कॉमन मिल रहा है, अंदर में क्या बचेगा एक्स माइनस वन, और यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे तो फाइव मिलेगा, माइनस फाइव यहाँ पे एक्स माइनस वन मिल गया, तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन यहाँ से कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ लिमिट एक्स टू वन एक्स माइनस वन डिवाइड एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा टू एक्स और माइनस फाइव, तो ये जो है इससे ये गया, ठीक है इससे ये गया, यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा आपका, देखिए अब लिमिट हम वन जो है जहाँ पे एक्स वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ वन पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टू माइनस फाइव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस वन बाई थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा माइनस वन बाई थ्री आएगा, क्या आएगा माइनस वन बाई थ्री दिख रहा है माइनस वन बाई थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है आप इसको नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अ प्लस टू डिवाइड एक्स स्क्वायर अ प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए और जो है ना आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू डिवाइड यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस सिक्स। अगर मैं यहाँ पर टू पुट करता हूँ तो टू का स्क्वायर फोर और माइनस सिक्स और प्लस टू, सिक्स सिक्स और माइनस सिक्स करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है, ऊपर जीरो मिल गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टू का स्क्वायर फोर और प्लस टू करते हैं सिक्स आएगा, सिक्स माइनस सिक्स करेंगे तो जीरो आएगा। यहाँ पर भी कैसे में क्या रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा है। आपका न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, आपका न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, देखिए डेनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता चलता है कि पी बाई क्यू फॉर्म है। आपका रेशनल नंबर पढ़ोगे ना, रेशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म होता है, तो आपने क्या पढ़ा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है ना। तो इसी केसेज में यन का मान जीरो हो सकता है लेकिन डी का मान जीरो नहीं हो सकता, आपका डेनोमिनेटर जो है जीरो नहीं हो सकता, आपका न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, तभी आपको यहाँ पे लिमिट का फंक्शन को लागू कर सकते हैं। तो आपको तो ये दिख रहा है कि आपको सबसे पहले क्या किया, फैक्टर निकाल दीजिए, क्या कीजिए, फैक्टर निकाल दीजिए। तो आप जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा कि लिमिट एक्स टू टू, जब इसका आप फैक्टर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए टू का फैक्टर निकालेंगे तो वन और टू में निकलेगा, वन और टू में निकलेगा, ठीक है। तो टू का फैक्टर क्या होता है, वन हो वन वन और टू में निकलेगा, क्या निकलेगा, वन और टू निकलेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सम करने पे यहाँ पे क्या तो कितना आना चाहिए, थ्री एक्स आना चाहिए, तो एक्स और माइनस टू एक्स और प्लस यहाँ पे क्या होगा, टू डिवाइड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप लिखेंगे और सिक्स का जब फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्लस एक्स प्लस में आना चाहिए, प्लस एक्स प्लस में आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखिए सिक्स का फैक्टर निकालेंगे तो थ्री और टू में निकलेगा, तो हमको प्लस में आना चाहिए, तो ये प्लस देंगे, इसको माइनस देंगे, माइनस टू हो जाएगा, तो प्लस थ्री एक्स और माइनस टू एक्स और प्लस टू, ये सॉरी प्लस सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस सिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस सिक्स लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस केसेज में जब इसका मैं फैक्टर निकाला तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो एक्स माइनस वन, और यहाँ पे क्या टू कॉमन मिल रहा है तो एक्स माइनस वन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स प्लस थ्री सॉरी यहाँ पे एक्स कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स प्लस थ्री, ठीक है, और अंदर में क्या मेरे को मिलेगा, माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वन यहाँ पर कॉमन है, ये एक्स माइनस वन कॉमन मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू मिलेगा, और यहाँ पे क्या मेरे को मिलेगा, एक्स माइनस टू, और अंदर में क्या मिलेगा, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री। तो ये और ये जो है आपस में कट जाएंगे, है ना, ये और आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, लिमिट एक्स टू टू क्या जाएगा, लिमिट एक्स टू टू, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, लिमिट x टू टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वन डिवाइड x प्लस थ्री। अब क्या करेंगे, टू का जो लिमिट है x का मान जो है रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा टू माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा टू प्लस थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन डिवाइड फाइव, क्या जाएगा, वन डिवाइड फाइव। तो ये आपका जो है लिमिट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक हमने छेड़ा था कि एल हॉस्पिटल रूल से यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखाएंगे। तो आप जो है फार्मूला को आप याद भी करते चलिएगा और मैं इसको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। तो आप फार्मूला लिखिए, लिमिट में कुछ फार्मूले ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं उसको आपको समझा देता हूँ, ये फार्मूला लगेंगे यहाँ पर, तो आपको देखने के साथ साथ में याद भी करना मेरे साथ, ठीक है, आपको हम समझाते चलेंगे। तो अब तक जितने हमने पढ़ाया आपको मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा, उसके बाद देखिएगा थोड़ा सा अगर बोरिंग लग रहा होगा तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जाइए पहले गिलास एक गिलास पहले पानी पी कर बैठिए आराम से, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था ना कि ये लंबा क्लास चलेंगे और थोड़ा सा लंबा होने के बाद आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए ये लंबा क्लास
जाने की संभावना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसके क्या क्या हैं लिमिट का, कि लिमिट अगर ये सब क्या है, फार्मूला है, ये सब आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट एक्स टू ए साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, या देखिए ये एक हो गया, बराबर वन तो आना है, कंफर्म है, लेकिन क्या है, हमने जगह को बचाने के लिए हमने क्या किया, एक लाइन में लिख दिया, क्योंकि सभी का वैल्यू वन है। लिमिट एक्स टू ए साइन एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्स टू ए टेन एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्स टू ए कॉस एक्स बराबर वन, ये लिमिट होता है। तो यहाँ पे ये बताएगा कि जो भी यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या देना चाहिए, फंक्शन, ये क्या है, एक तरह का फंक्शन है, ये क्या है, एक तरह का फंक्शन है। तो मान लेते ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को लिमिट एक्स टू, यहाँ पे क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा। तो एक्स जहाँ वहाँ ये क्या, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, यहाँ पे साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स, ठीक है, और लिमिट यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एक्स टू ए टेन एफ एक्स बाई एफ एक्स, देन यहाँ पे क्या होता है, लिमिट एक्स टू ए कॉस एफ एक्स बराबर वन, अगर ऐसे दे रहा है तो इस केसेस में क्या करेंगे, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स एफ एक्स का मान जो है कभी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए लिमिट एक्स टू जीरो क्या दिया है, यहाँ पे लिमिट एक्स टू जीरो, अभी मैं एक मजेदार अभी बताने वाला हूँ, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगेगा। लिमिट एक्स टू जीरो, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्स टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्स टू जीरो कॉस एक्स बराबर कितना होता है, वन होता है, कितना होता है, वन होता है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा ये फार्मूला कि अगर लिमिट एक्स टू जीरो दिया हुआ है टेन एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्स टू जीरो कॉस एक्स बराबर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, वन आएगा। आगे बढ़ें, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरे केसेस में जब बात हम करेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टू ए वन प्लस एफ एक्स, वन प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स के पावर में वन बाई एफ एक्स लिखा हुआ है, वन बाई एफ एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जीरो रख दूँ तो ये क्या इन्फिनिट देगा, क्या देगा, ये इन्फिनिट देगा। तो इस केसेज में ये है, तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, कैमरा मैन इधर देखो, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस एफ एक्स के पावर वन बाई एफ एक्स बराबर क्या होगा, ई होगा, वन प्लस एफ एक्स के पावर में वन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तीसरा, इस केसेज में जब बात करेंगे यहाँ पर आइए, लिमिट एक्स टू जीरो, लिमिट एक्स टू जीरो वन प्लस एक्स के पावर में वन बाई एक्स, लिमिट एक्स टू जीरो वन प्लस एक्स के पावर में वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ई आएगा, क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इस केसेज में क्या हो गया, वन बाई एक्स, तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है ना। उस केसेज में देखिए यहाँ पे तीसरा फार्मूला समझिएगा, लिमिट एक्स टू ए वन प्लस वन बाई एफ एक्स, वन बाई एफ एक्स के पावर में एफ एक्स, देखिए इसी फार्मूले को बना रहा है, इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया है, इसको जो एफ एक्स ले गया है। तो इस केसेज में क्या करेगा, लिमिट एक्स टू जीरो वन प्लस वन बाई एक्स के पावर में एक्स बराबर क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है, क्या आएगा, ई आएगा, ये फार्मूला है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, सेम चीज है, देखिए ये वाला और ये देखिए, दो और चार को ध्यान दीजिएगा, दो और चार को सेम चीज है, यहाँ पे क्या किया, लेमडा लेमडा को क्या किया, मल्टीप्लाई किया है एक्स के साथ में, तो ई के पावर में लेमडा हो जाएगा, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टू जीरो वन प्लस लेमडा एक्स के पावर में वन बाई एक्स इज इक्वल टू ई के पावर लेमडा। फाइव में बात करेंगे तो लिमिट एक्स टू जीरो वन प्लस लेमडा बाई एक्स, वन प्लस लेमडा बाई एक्स के पावर में एक्स बराबर ई के पावर लेमडा, ई के पावर में लेमडा। ये इतना फार्मूला हो गया, कुछ और फार्मूला आपको देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं और फार्मूला आपको लिखवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट फार्मूला हम बात करेंगे, लिमिट एक्स टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, लिमिट एक्स टू जीरो ए के पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स लिखा हुआ है, ए के पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स लिखा हुआ है, तो इसके बराबर डायरेक्ट जो है आप लॉग ए टू द बेस ई रख दीजिएगा, लॉग ए टू द बेस ए रख दीजिएगा ना। तो इस टाइप में दिया हुआ लिमिट एक्स टू जीरो, लिमिट एक्स टू जीरो ए के पावर एक्स माइनस वन डिवाइड एक्स,
ए के पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं फाइव नंबर पर। ध्यान दीजिएगा कि लिमिट एक्स टू जीरो, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर एक्स माइनस वन डिवाइड एक्स लिखा हुआ है, ई के पावर एक्स माइनस वन डिवाइड एक्स लिखा हुआ है, तो लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू कितना होता है वन होता है, लॉग ई टू द बेस ई लिखा हुआ है तो ई जो है बेस लिया हुआ है, तो लॉग ई की वैल्यू कितना होता है वन होता है ना, तो यहाँ पे वन लिख लेंगे। इसी तरह लिमिट एक्स टू ए, लिमिट एक्स टू ए, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा इस फार्मूला को, ध्यान दीजिएगा लिमिट एक्स टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन डिवाइड एक्स माइनस ए। ठीक है, तो अगर इस टाइप के अगर फार्मूला दिया हो, जैसे हम यहाँ पे एक्स स्थान पर टू के पावर एन माइनस थ्री के पावर एन दिया हो, टू के पावर एन और थ्री के पावर एन बटे टू माइनस थ्री, इस टाइप का कुछ दे रहा हो, तो जहाँ पर एन है तो ये जो एन होगा आगे आएगा, तो एन इंटू ए के पावर में कुछ भी लिखा हो तो ए के पावर में एन माइनस वन हो जाएगा, ए के पावर में एन माइनस वन हो जाएगा ना, तो एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन, एक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से हट गया ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हो तो एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन को हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सात पे देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं कैसे करेंगे, ये आपका फार्मूला है ना, तो लिमिट एक्स टू जीरो, लिमिट एक्स टू जीरो लॉग लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस ए लिया है, बेस यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे ई भी लिख सकता था बेस, कोई हर्ज तो नहीं था, यहाँ पे ई भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए कोई बेस दिया हुआ है। ठीक है, ई भी हो सकता है, कुछ भी पी क्यू आर कुछ भी बेस दे सकता है, उसके हिसाब से भी आप रखेंगे, तो लॉग लॉग वन प्लस एक्स टू द बेस ए डिवाइड एक्स, तो लॉग ई, लॉग ई पता है ना, लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स लिखा हुआ है, तो लॉग ई टू द बेस ए आ जाएगा, लॉग ई टू द बेस ए आ जाएगा। ठीक है, आठ नौ और दस पर देखिए, एट नाइन और टेन पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टू जीरो, लिमिट एक्स टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्स टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स लिखा हो, उस केस में क्या होता है वन आता है। एक अभी आर मैंने आपको फार्मूला बताया कि लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स लिखा हुआ है, या लिमिट एक्स टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या आता है वन आता है, क्या आता है वन आता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन लिमिट एक्स टू जीरो साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, या लिमिट एक्स टू जीरो टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, ये बराबर क्या आता है यहाँ पे वन आता है। ठीक है, इस केसेज में भी अभी हमने आपको बताया था लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स बराबर वन, लिमिट एक्स टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स बराबर वन, लिमिट एक्स टू जीरो कॉस एक्स बराबर वन, नेक्स्ट जो अभी हमने इससे पहले बताया था। क्वेश्चन जो है नाइन किस रूप से देगा, देखिए यहाँ पे जीरो का स्थान पे यहाँ पे इनफिनाइट हो गया, क्या हो गया है इनफिनाइट हो गया है, जीरो का स्थान पे इनफिनाइट है, जीरो का स्थान पे क्या है इनफिनाइट है, दिख रहा है ना, जीरो का स्थान पे क्या है इनफिनाइट है, लिमिट एक्स टू इनफिनाइट साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स बराबर क्या आएगा जीरो आएगा, लिमिट एक्स टू इनफिनाइट, लिमिट एक्स टू इनफिनाइट टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स, टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स बराबर क्या देगा जीरो देगा। एक केसेस और आता है लिमिट एक्स टू इनफिनाइट, लिमिट एक्स टू इनफिनाइट ठीक है इंटू ए के पावर में एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है ए के पावर में एक्स दिया, तो एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे इन्फिनिटी रखेंगे, तो किसी भी नंबर पर अगर इन्फिनिटी अगर आता है ए के पावर एन या किसी भी एक्स वाई जेड किसी के पावर में अगर इन्फिनिटी आता है तो उसका वैल्यू क्या देगा इन्फिनाइट देगा, क्या देगा इन्फिनाइट देगा। ठीक है, तो ये अब देखिए अब आते हैं इस, तो फार्मूला आपको मेरे हिसाब से दिमाग में आ गया होगा, एक जगह आप इसको नोट कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नोट करने के बाद जो है इसको आप अच्छे से जो देखने के बाद क्वेश्चन पर आइएगा। तो अब चलते हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एल हॉस्पिटल रूल, जिसके बारे में हमने आपसे पहले चर्चा किया था कि एल हॉस्पिटल रूल क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे आपको एल हॉस्पिटल रूल का कुछ केसेस हम यहाँ पर फाइंड कराएंगे। यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल बोले तो एक शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ पे आईआईटी और जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे यूपीटीयू हो गया और जेईई हो गया, वहाँ पे
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ उस यल हॉस्पिटल को पहले हम आपको पहले एक्सप्लेन करेंगे कैसे लगाते हैं। यल हॉस्पिटल हो जाता है जब भी कुछ किसी केसेस में 0/0 के फॉर्म अगर आता है तो वह इनडिफाइंड है। मतलब क्या होता है कि देखा जाए कि इस कंडीशन, हमने आपको बताया था कि 0/0 फॉर्म हो तो यल हॉस्पिटल का केसेस लगता है, और इनफिनाइट बाई इनफिनाइट के केसेस हो तो यल हॉस्पिटल लगाते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर हो तो यल हॉस्पिटल, या फिर 0 × इन्फिनिटी हो, या फिर ध्यान दीजिएगा इस केसेज में 0, ठीक है, 0 के पावर 0 हो तो यल हॉस्पिटल लगता है। तो इस केसेज को हम यहाँ पे बताएंगे कि यल हॉस्पिटल होता क्या है। सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रैक याद रखिएगा कि 90% केसेज में आंसर जो है यल हॉस्पिटल से आ जाता है। तो हमें करना क्या है कि आप मान लेते हैं n/d होता है, n/d मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है, दो केसेज में ऐसे होते हैं, है ना। तो मान लेते कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को लगाना होगा तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, जिसके रेस्पेक्ट बोलेगा उसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा, ठीक है। तो अधिकतर केसेस में मतलब आप जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से करेंगे, एक्स वाई जेड, देन यहाँ पे एक्स हम ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यल हॉस्पिटल ऊपर का डिफ्रेंशिएट बटे नीचे का डिफ्रेंशिएट, ऊपर का डिफ्रेंशिएट बटे नीचे का डिफ्रेंशिएट, मतलब न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट बटे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। मतलब अंश का अवकलन बटे हर का अवकलन। इस फार्मूला को हम याद रखेंगे यल हॉस्पिटल को। यहाँ पे हम जो भी फार्मूला है यल हॉस्पिटल का फार्मूला जो है ये है, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ही मेथड है यल हॉस्पिटल को लगाने के लिए, ऊपर का डिफ्रेंशिएट बटे नीचे का डिफ्रेंशिएट, ध्यान हो गया, ऊपर का डिफ्रेंशिएट बटे नीचे का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो ऊपर का अवकलन बटे नीचे का अवकलन, मतलब ऊपर में क्या अंश बटे हर है ना, तो अंश का अवकलन बटे हर का अवकलन, या न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट बटे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट। फार्मूला याद हो गया। अब देखिए इस केसेस को हम फाइंड करते हैं, क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप अच्छे से समझिएगा, आप ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, ये मेथड सीखने के बाद जो है आप कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो अगर यल हॉस्पिटल लग रहा है तो वहाँ पे आसानी से और बहुत कम टाइम में इसको लगा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उठाते, देखिए ध्यान दिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ। तो देखिए अगर एक्स बराबर यहाँ पे ए रखते थे, ये जीरो दे रहा है नीचे, हाँ जीरो दे रहा है। ऊपर चेक कीजिए, अगर एक्स बराबर ए का क्यू माइनस ए का क्यू तो जीरो दे रहा था, हाँ जीरो दे रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। पहले आप चेक करेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल कहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल हमने अभी क्या बताया कि न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट बटे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट डिवाइड डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, ये मैंने आपको फार्मूला बताया। हमने इससे पहले एक लिमिट में हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया था निकालने के लिए। तो इस केसेज में क्या करेंगे, अभी इस केसेज में समझिए, ऊपर का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है नीचे का। तो यहाँ पे तो केसेज में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं करता हूँ तो 3x² ना, 3-1 n x के पावर n-1 हो जाएगा। तो देखिए 3 आगे आएगा, x 3-1 करें तो 2 आता, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 0 आया था, ठीक है। इस केसेज में करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता, x का डिफ्रेंशिएट करेंगे ये, तो यहाँ पे 1 आता, और ये करते तो यहाँ पे क्या आता 0 आता, ठीक है। लिमिट रख दीजिए यहाँ पे x टू a, तो इस केसेज में क्या होगा 3a का स्क्वायर। ये फॉर्म में हमने आपको बताया था, ठीक है, कि x माइनस ए के फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का क्यू माइनस ए का क्यू का जो फार्मूला है उससे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो x माइनस ए, देखिए आप बिना लिमिट के अगर निकालते हैं यहाँ पे तो कैसे होता, क्योंकि देखिए अगर ऐसे अगर मैं लगा रहा हूँ फार्मूला की सब, देखिए एल हॉस्पिटल लगाते तुरंत आ गया आंसर, इसी को पुनः अगर बिना एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो देखिए कैसे होगा। आपको पता होगा कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, देखिए माइनस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है ab हो जाता है, क्या होता है ab हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा, और नीचे में क्या दिया है a माइनस b दिया है, क्या दिया है,
तो ये और ये आपस में कट जाता है, एक्स माइनस कट जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। आप लिमिट रख देते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं लिमिट रखते हैं, एक्स टू ए लिमिट रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस एक्स होता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ए इंटू ए होता है, मतलब क्या होता है यहाँ पे ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर, मतलब थ्री ए स्क्वायर मिला, थ्री ए स्क्वायर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इस केसेस से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपको दोनों हमने मेथड बताया, तो यल हॉस्पिटल जो है ना आपका बहुत इजी मेथड है। किसी भी फॉर्म जब चेक कीजिए कि यल हॉस्पिटल लग रहा है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यल हॉस्पिटल में यहाँ पे भी लगाता हूँ, मतलब 90% केसेज में जो है ना आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से। तो एक्स टू जीरो ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स डिवाइड साइन एक्स दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा x बराबर है, मैं यहाँ पर जीरो रखता हूँ तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, नीचे मिल गया मेरे को जीरो मिल गया। ठीक है, ऊपर कैसे में e के पावर x, e के पावर में जीरो बराबर वन आएगा, यहाँ पे करेंगे e के पावर जीरो, यहाँ पे भी आएगा वन माइनस वन बराबर जीरो आएगा, है ना। e के पावर किसी भी पावर में अगर जीरो आता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, वन आता है। तो ठीक है, तो किसी भी एनी वन किसी के पावर में अगर जीरो आता है उसका वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है। तो यहाँ पे जीरो माइनस जीरो करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जीरो, जीरो बटे जीरो बटा एल हॉस्पिटल लगेगा। तो हमने आपको बताया था ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट डिवाइड डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, ये मैंने आपको बताया था। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको देखिए e के पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, e के पावर x ही आता है। e के पावर x का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, e के पावर x देखिए माइनस, ठीक है माइनस e के पावर, देखिए अब क्या होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएट करें तो e के पावर x का डिफरेंस e के पावर माइनस s का डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर माइनस माइनस x ही आएगा। देखिए एक फंक्शन हमारे ऊपर में और पड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन आएगा, क्या आएगा माइनस वन आएगा, आएगा ना माइनस वन, और नीचे में क्या जाएगा sin x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा cos x आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टू जीरो e के पावर x, और देखिए ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या बना लगा, प्लस बना लगा, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x डिवाइड cos x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x बराबर अगर मैं जीरो पुट कर देता हूँ तो देखिए x बराबर अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो e के पावर जीरो और प्लस e के पावर माइनस जीरो, मतलब जीरो। ठीक है, ये कितना आएगा जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा cos जीरो का वैल्यू कितना देता है, cos जीरो का वैल्यू कितना देता है, यहाँ पे वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो यहाँ पे वन प्लस वन डिवाइड यहाँ पे वन, तो ये कितना देगा, ये टू आ जाएगा। तो आप जो है यल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, पता है ना e के पावर x का एक्सपोनेंट फॉर्म निकाल लीजिए। ठीक है, तो वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स, ऐसे करके इसका फॉर्मूला रखिए। फिर यहाँ पे करेंगे e के पावर वन वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, इसका आप फार्मूला के हिसाब से रख देंगे। साइन एक्स का जो है फार्मूला आपको पता होगा, साइन एक्स का फार्मूला को आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का जो एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, साइन एक्स का एक्सपोनेंट फॉर्म हम बात करेंगे यहाँ पे, साइन एक्स का एक्सपोनेंट फॉर्म देखिए, साइन एक्स का एक्सपोनेंट फॉर्म बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स के एक्सपोनेंट फॉर्म का हो जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यू बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, ऐसे करके केसेस में आप रखेंगे तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वह क्या है, लंबा मेथड पड़ जाएगा, तो आपको लंबा नहीं लगाना है, यल हॉस्पिटल लगाना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो दो नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। हाँ, कंपिटेटिव एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, है ना, तो आपको ई के पावर इन्फिनिटी के रूप में भी दे देगा वहाँ पे, तो उस केसेज में ये आते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा। आप ना वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लगाइए, फिर आंसर मेरे से मिलाइए, मैच कीजिए कि हाँ क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री चलते हैं, लिमिट एक्स टू ए रूट में एक्स माइनस रूट में ए डिवाइड एक्स माइनस ए दिया हुआ है।
देखिए यहाँ पर भी यल हॉस्पिटल लग रहा है क्या, पहले चेक कीजिए यल हॉस्पिटल लग रहा है क्या। अगर एक्स बराबर ए पुट करते तो ए माइनस ए बराबर जीरो, हाँ नीचे दे रहा है। अगर यहाँ पर ए रखते हैं तो रूट में ए माइनस रूट में ए बराबर जीरो, है ना, जीरो बाई जीरो फॉर्म में दे रहा है ना। तो इस केसेज में हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल लगा दीजिए। पहले तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे एल हॉस्पिटल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चेक करने का तरीका हमने क्या बताया है कि जीरो बाय जीरो हो चाहे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में मिलना चाहिए, चाहे इन्फिनाइट मिलना चाहिए, चाहे जीरो के पार जीरो मिलना चाहिए। इस टाइप की केसेज में अगर मिलता है तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वी एल हॉस्पिटल को मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो एल हॉस्पिटल आपको बताया गया था कि ऊपर का डिफ्रेंशिएट बटे नीचे का डिफ्रेंशिएट आर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट बटे डेनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। देखिए जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिए ये कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जब ऊपर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए एक्स के रूट में एक्स दिया हुआ है तो क्या एक्स के पावर वन बाई टू लिख सकता हूँ ना। जब आप इसका जब डिफ्रेंशिएट निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर वन बाई टू निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस वन, पता है ना। तो इसको क्या करेंगे, वन बाई टू एक्स के पावर में माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। टू माइनस वन वन माइनस वन बाई टू आ जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वन बाई टू रूट के अंदर में एक्स आ जाएगा, है ना, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केसेज में हम यहीं पे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टू ए। तो पता चल गया, इसको एक्स के पावर वन बाई टू करते हैं तो क्या जगह, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ वन बाई टू एक्स के पावर में, एक्स के पावर में वन बाई टू माइनस वन, ठीक है। और इसका करते थे ये जीरो, नीचे आ गया क्या, नीचे का डिफरेंशिएट करें तो वन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और ले जाइए, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू एक्स के पावर में माइनस वन बाई टू, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो है ना यूनिवर्स फॉर्म में है तो इसको आप नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टू ए वन बाई टू इंटू वन बाई रूट में एक्स, ठीक है। एक्स बराबर ए पुट कर दीजिए, एक्स बराबर ए पुट कर दीजिए, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दस क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं, हम इसको साफ कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में दिया एक्स के पावर टेन माइनस वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर डिवाइड एक्स माइनस ए दिया हुआ है, एक्स के पावर टेन माइनस वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर डिवाइड एक्स माइनस टू दिया हुआ है, मिस्टेक हुआ था बोलने में। तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टू टू एक्स के पावर टेन माइनस ऐसा एक्स माइनस टू दिया हुआ है। तो पहले आप चेक कीजिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल लग रहा है क्या, एक्स बराबर अगर मैं यहाँ पर टू रखता हूँ तो जीरो देगा, हाँ देगा। टू के पावर अगर टेन करते तो वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर आएगा। तो यहाँ पे भी जीरो बाई जीरो फॉर्म में बना रहा है। तो आपको पता है ना, ऊपर का डिफ्रेंशिएट बटे नीचे का डिफ्रेंशिएट, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट बटे डेनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएट, आर हर का सॉरी अंश का आकलन बटे हर का आकलन, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो जब आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो x टू टू डी डी एक्स ऑफ टेन माइनस वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर डिवाइड डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इस केसेस में क्या आएगा, यहाँ पे n x के पावर n माइनस वन ना, तो नाइन हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो x टू टू ये, और यहाँ पे क्या जाएगा टू के पावर में नाइन, टू के पावर में नाइन डिवाइड वन, ठीक है। तो जब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए इसको जब आप सॉल्व करें तो क्या जाएगा, हंड्रेड इंटू फाइव हंड्रेड ट्वेल्व फाइव वन टू जीरो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए ये जो हमने आपको फार्मूला बताया था उसी के मेथड से लगाया है। आपको हमने बताया था एक फार्मूला कि लिमिट एक्स टू टू एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन
डिवाइड एक्स माइनस ए दिया हुआ है, तो आपको बताया था एन ए के पावर एन माइनस वन, वही फॉर्म लग रहा है ना। तो देखिए इस केसेज में वही फॉर्मूला लग रहा है, देखिए टेन है ना, तो इसको भी क्या करें टू के पावर टेन करते हैं यहाँ पे, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन है ना, एन ए इंटू एन ए इंटू एन ए के पावर में एन माइनस वन, इस केसेज से भी आप लगा सकते थे फार्मूला के हिसाब से। तो आपका जो है ना एल हॉस्पिटल कोई फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे, अगर एल हॉस्पिटल लग रहा है तो वहाँ पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ घर के लिए, आप इसको सॉल्व कीजिएगा ठीक है। आपको तो मैंने बता दिया कंडीशन, अब कुछ हम आपको 12 क्वेश्चन देते हैं, 12 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आपको लगाना है, हम 12 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। और अगर आंसर अगर नहीं आता है तो आप जो है ना मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको नंबर दिया हुआ नंबर पर कॉल कर सकते हैं, किसी भी केसेस में अगर प्रॉब्लम अगर आ रहा हो तो आप मेरे को नंबर पर कॉल कीजिए और वहाँ से मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो इस पर एक जो क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर ले करके आप जो है मेरे को भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसी नंबर पर चलता है 9453814533 पे व्हाट्सअप नंबर है। आप बोल देंगे सर यूट्यूब इसका जो क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम हो रहा है इसका कैसे लगेंगे, एनीवन कुछ भी अगर आपका दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो ठीक है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है उसे आप करके पूछ सकते हैं। तो देख ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कुछ केसेज बताने के बाद हम आपको कंडीशन अप्लाई कराते हैं यल हॉस्पिटल, टोटल हम क्वेश्चन यल हॉस्पिटल रूल से लगाएंगे जितना भी आपको दिख रहा है। आप पहले चेक किए एक्स बराबर एक्स टू जीरो है, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो रखता हूँ तो रूट में वन के वैल्यू वन होता है, तो वन माइनस वन बराबर जीरो, हाँ जीरो दे रहा है। ऊपर में अगर रखेंगे जीरो तो ऊपर जीरो बाई जीरो फॉर्म में तो यल हॉस्पिटल लगा देंगे, तो ऊपर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर टू आएगा, और नीचे का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट में है ना, तो वन रूट में वन बाई टू वन प्लस एक्स के पावर माइनस वन बाई टू आएगा ठीक है। फिर अंदर करेंगे एक्स का तो वन आएगा, तो कोई मतलब नहीं है ना, तो फिर माइनस जीरो, तो इसका माइनस जीरो हो जाएगा ठीक है। अब ये क्या आएगा जीरो केसेस में देगा, वन बाई टू मिलेगा हमको है ना, वन बाई टू, ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पर चेक कीजिए h बराबर जीरो पुट करता था ये जीरो आएगा, यहाँ पे h बराबर जीरो पुट करता था ये जीरो आएगा, रूट में x माइनस रूट में x बराबर क्या आएगा जीरो आएगा, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म लगा रहे थे यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल लग जाएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, लिमिट एक्स टू माइनस वन बाई टू दे रहा है, लिमिट एक्स टू माइनस वन बाई टू दे रहा है, अगर आप माइनस वन बाई टू के यहाँ पर रखते हैं तो कितना आएगा, टू के पावर में फाइव का वैल्यू जो होता है 32 होता है ना, तो माइनस देखिए माइनस वन बाई थर्टी टू से 32 कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब माइनस वन प्लस वन बराबर जीरो, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब रखेंगे एक्स का स्थान पे तो टू माइनस वन बाई टू करेंगे तो ये से टू कैंसिल गया, तो माइनस वन प्लस वन बराबर जीरो आएगा ठीक है। तो इस केस में जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो अब क्या करेंगे एल हॉस्पिटल लगा लेंगे, तो ये 32 बाहर निकालेंगे और एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो फाइव एक्स के पावर फोर आ जाएगा ठीक, ये जीरो देगा, नीचे में क्या आएगा सिर्फ टू आएगा, क्या आएगा टू आ गया, बाकी आप जो सॉल्व करने के बाद जो है लिमिट को पुट कर देंगे। ये तब तक लगाते जाएंगे जब आप हर केसेस में चेक कीजिएगा कि यल हॉस्पिटल लग तो नहीं रहा है ना, ये अगर यल हॉस्पिटल लग रहा होगा तो वहाँ पे और भी हो सकता है, फर्स्ट बार में दूसरे बार में भी लगाना पड़े, तीसरे बार में भी लगाना पड़े, आप पहले सबसे पहले इस केसेज को लगाने के लिए यल हॉस्पिटल को पहले चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर चार पर चलते हैं, हिंट देखिए, लिमिट एक्स टू ए एक्स के पावर एम माइनस ए के पावर एन एम डिवाइड एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, देखिए ए बराबर अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ चाहे यहाँ पर रखता हूँ, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बना रहा है, तो आपको बताया गया था ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं करूँ तो यम एक्स के पावर यम माइनस वन हो जाएगा, यम एक्स के पावर यम माइनस वन हो जाएगा, और नीचे में क्या मिलेगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा, जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर आप लिमिट रख दीजिए तो एम बाई एन आ जाएगा, क्या जाएगा एम बाई एन आ जाएगा। फाइव नंबर पर चलते हैं, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स डिवाइड एक्स दिया है, अगर एक्स बराबर अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो ये जीरो आएगा, यहाँ पर अगर ई के पावर एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं तो यहाँ पे वन आएगा, और यहाँ पे क्या जीरो आएगा, तो वन माइनस वन बराबर जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बना रहा था, इसको क्या होगा एल हॉस्पिटल लगाइए, तो ई तो इसका जब निकालेंगे ऊपर का डिफरेंशिएट मतलब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई के पावर एक्स, और इसका निकालें तो ये जीरो हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, और इसका जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वन आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएट कितना होता है वन होता है ठीक है। बाकी आप लिमिट रख देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर माना जाएगा।
लिमिट एक्स टू जीरो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टू जीरो ई के पार एक्स बाई टू माइनस वन डिवाइड एक्स दिया है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये जीरो, ई के पार में जीरो आ जाएगा तो जीरो, ई के पार जीरो के बराबर कितना होता है वन होता है, तो वन माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो पता है ना ऊपर का डिफरेंशिएट ई के पार एक्स का डिफरेंशिएट ई के पार एक्स बाई टू आएगा इंटू फिर एक और फंक्शन दिया एक्स बाई टू का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई टू आएगा ना, तो वन बाई टू ई के पार एक्स बाई टू डिवाइड वन आ जाएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ई के पार जीरो के वैल्यू कितना होता है वन होता है, ठीक है, और वन बाई टू जो है मल्टीप्लाई में है तो वन बाई टू इंटू वन बराबर वन बाई टू, आपके आंसर क्या आएगा वन बाई टू आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन पाते हैं, लिमिट एक्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो जीरो और ध्यान दीजिएगा ये जीरो, और यहाँ पे रखता हूँ तो जीरो, और लॉग वन के वैल्यू कितना होता है जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो यहाँ पे भी एल हॉस्पिटल लगाएंगे, देखिए अंदर क्या होगा ऊपर का डिफरेंशिएट लॉग लॉग वन प्लस एक्स करेंगे तो वन बाई वन प्लस एक्स और माइनस वन, और डिवाइड यहाँ पे क्या आ जाएगा टू एक्स, ठीक है टू एक्स, फिर चेक कीजिए एल हॉस्पिटल लग रहा है क्या वन बाई वन प्लस एक्स और माइनस वन है ना, तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो आप इस केसेज में कर सकते हैं, ठीक है, हमको आपको बताना था, मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराने नहीं बैठा हूँ आपको, आपको खुद से करना है ये वाला, ठीक है, बाकी मैं आपको सिर्फ हिंट दे दे रहा हूँ कहाँ क्या लगेगा, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर एट पर ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टू जीरो लॉग एक्स डिवाइड वन माइनस एक्स, अगर यहाँ पर जीरो पुट करते तो लॉग जीरो के वैल्यू कितना, तो लॉग जीरो के वैल्यू कितना तो वन होता है, वन और वन देखिए इस केसेज में क्या करेंगे, इस केसेज में क्या करेंगे लॉग एक्स डिवाइड वन माइनस एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक हल्का सा मेरे से मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ है देखिए लॉग एक्स डिवाइड यहाँ पे एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, यहाँ पे वन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर एट में ध्यान दीजिएगा, हल्का सा मेरे से मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे लिमिट इसका वन होना चाहिए, ठीक है, तो वन माइनस वन देखिए करेंगे तो जीरो आएगा, और लॉग वन के वैल्यू कितना आता है जीरो, जीरो आता है, तो लॉग जीरो का वैल्यू कितना आता है जीरो आता है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बना रहा है, तो यह हॉस्पिटल लगाएंगे तो वन बाई एक्स डिवाइड, ठीक है, वन बाई एक्स डिवाइड वन माइनस एक्स का जब करेंगे तो वन आएगा यहाँ पे, है ना, तो इस केसेज में आप इसको रख के वैल्यू सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान देगा इस केसेज में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस देखिए वन बाई एक्स करेंगे यहाँ पे ये जीरो आएगा, ये माइनस वन आएगा, तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन आ जाएगा फिर भी, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, लिमिट एक्स टू ई दिया है लॉग एक्स माइनस वन डिवाइड एक्स माइनस ई दिया हुआ है, अगर मैं एक्स के स्थान पर ई रखता हूँ तो ये जीरो देगा, और लॉग ई के वैल्यू कितना होता है लॉग ई के वैल्यू कितना होता है लॉग ई के वैल्यू जो होता है वन होता है, लॉग ई के वैल्यू क्या होता है वन होता है, लॉग टेन के वैल्यू कितना होता है वन होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, लॉग हंड्रेड के वैल्यू कितना होता है टू होता है, लॉग थाउजेंड के वैल्यू कितना होता है थ्री होता है, ठीक है, तो अगर इस केसेज में है तो आपका एक लॉग का हमने एक लेक्चर लिया उसको जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ से हमने आपको समझाया है कि वहाँ पर कैसे आना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर टेन पर आते हैं, इसको आप चेक करके लगा लीजिएगा नाइन को, क्वेश्चन नंबर टेन पर आते हैं कि लिमिट एक्स टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइड टेन ए एक्स दे रहा है, तो आप पता क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे तो टेन जीरो का वैल्यू कितना था जीरो होता है, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है जीरो होता है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो आप इसको ऊपर का डिफरेंशिएट साइन ए एक्स का डिफरेंस होता है कॉस ए एक्स इंटू ए एक्स एक फंक्शन है तो ए आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे टेन टेन ए एक्स का जो डिफरेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर ए एक्स आएगा, और ए एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ए आ जाएगा, बाकी आप जो है इसका लिमिट रख देंगे जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बाई बी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बाई, तो इस केसेज में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए बाई ए आएगा, तो ए बाई ए का वैल्यू कितना होता है वन होता है, कितना होता है वन आ जाएगा इसका, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया था बी दिया हुआ था लेकिन हमने ए लिखा था, चलिए ए के केसेज में हमने सॉल्व किया कोई बात नहीं, आप अगर बी अगर दिया रहेगा यहाँ पे तो आप ए बाई बी फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिएगा, तो लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइड एक्स का क्यों निकालते हैं एलेवन नंबर देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ ना तो ये वैल्यू जीरो देगा, और साइन जीरो का वैल्यू जीरो है ना, जीरो 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 फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे ऊपर का डिफरेंशिएट निकालेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता है और माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वन है ना, इस केस में देखिए यहाँ पे करेंगे तो थ्री एक्स
3x² आएगा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ, लिमिट x टू 0 ऊपर का डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, cos x आएगा और -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3x² आएगा। एक बार और देखिए, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ, यहाँ पे 0 माइनस 0 है ना, तो 0 फॉर्म ऊपर बना रहा है, नीचे क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो इसको एक बार और ले जाएंगे ये हॉस्पिटल रूल से, देखिए ये नीचे 0 बना रहा है, ऊपर cos 0 का वैल्यू कितना, तो 1 आता है, 1 - 1 = 0, तो यहाँ पे भी एक बार और ये हॉस्पिटल रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, लिमिट एक्स टू 0 है ना, और cos x के क्या होता है, -sin x हो जाता है, क्या होता है, -sin x, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 × 2x^2 - 1, तो 1 आ जाएगा, है ना, तो x^1। अब ध्यान देगा इसका लिमिट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में 11 क्या था कि लिमिट x टू 0, देखिए हमने क्या किया, sin x - x का क्यों किया, तो यहाँ पे जब इसका मैं निकाला ये हॉस्पिटल रूल से, क्योंकि लग रहा था तो cos x - 1 है ना, sin x से क्या होगा डिफरेंशिएट, cos x आएगा -1, और यहाँ पे क्या आएगा, 3x² आएगा, ठीक है। तो x केसेज में और देखें यहाँ पे कि एल हॉस्पिटल रूल फिर लग रहा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे चेक कीजिए यहाँ पे क्या आएगा, 0, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे 0 by 0 फॉर्मूला था, एक बार और लेंगे हम -sin x, ठीक है, -sin x, और नीचे क्या आएगा, 3 × 2 × x। देखिए एक बार और चेक कीजिए, एक बार और ये एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे करेंगे तो 0 आ रहा था, 0 by 0 फॉर्म, एक बार और आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो लिमिट x टू 0 माइनस, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका लिमिट आप पुट कर देंगे, सॉरी आप क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे तो आएगा माइनस, ठीक है, log cos एक्स मतलब cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 / यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो आपका जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पे 3 केसेज में जो था ये हॉस्पिटल लगाया था। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टू 0 10x - sin x / x³, यहाँ पर भी आपका 0 - 0 / 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये हॉस्पिटल लग रहा है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, है ना, यहाँ से आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ऊपर का डिफरेंशिएट बटे नीचे का डिफरेंशिएट, इस टाइप के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने करीबन आपका जो है जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे लिमिट का, ठीक है, तो यल हॉस्पिटल के हिसाब से लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे वहाँ पे आपका इतनी उसमें क्वेश्चन के साथ साथ में हम वहाँ पे और भी अच्छा ट्रिक हम सिखाएंगे, ठीक है, कि अगर ई के पार अगर इन्फिनिटी अगर आता है या फिर उस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे हिसाब से आपको लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, है ना, लिमिट ज़्यादा हार्ड नहीं है, और मैं आपको डिफरेंशिएट इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको मैं यल हॉस्पिटल रूल समझा सकता हूँ। तो उस केसेज में हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट मैंने बताया था, डिफरेंशिएट के कुछ केसेज हमने फाइंड कराए हैं, 6 लेक्चर तक हमने लिया है, वहाँ पे बेसिक क्लास से हमने वहाँ पे आपको बताया है, तो आपको उस क्लास को देखना चाहिए, है ना, हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी अच्छे से समझाया, ताकि अगर आपको अगर अच्छा से समझ नहीं आ रहा हो या सॉरी आपके अगर फ्रेंड सर्कल में अगर कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ने में कमज़ोर है, चाहे उनको समझ नहीं आ रहा हो, तो वो लेक्चर को बोलिएगा उनको देखने के लिए, है ना, उनको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने छोटे से छोटे चीज़ को उठाकर हमने आपको एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और इसको जितने भी आपके संपर्क में हैं, दोस्त वगैरह, फ्रेंड वगैरह, या फिर जितने भी कॉन्टैक्ट में हैं, उनको आप ये लेक्चर को सेंड कीजिए ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, है ना, ताकि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और ये मेहनत मेरे कभी बेकार ना जाए, ठीक है। तो आप इसको जो है अपने फ्रेंड के पास भेजिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास पहुँचाएँ, है ना, आपकी आपके क्षेत्र में हम एक YouTube की एक बड़ा हब बनाना चाहते हैं, यहाँ पे बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आपकी सपोर्ट मिल जाए, आपके सभी लोगों को सपोर्ट मिल जाए, तो मैं इसे और भी बड़े लेवल तक ले जाऊँगा। हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हो कि मैं लाइव क्लास सभी को दूँ, तो उस लाइव क्लास को हमको चलाने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट और एक बोलते ना एक ग्रुप का ज़रूरत है मेरे को, तो एक अच्छा कंबाइंड मिलेगा तो ही मैं इसको बड़ा
लेवल तक ले जा सकता हूँ। तो अभी ये स्टार्टिंग है, आप इसका सपोर्ट करें, खुलकर सपोर्ट करें ताकि मैं इसको एक बड़े लेवल पर ले जाऊँ, है ना। मैं करीबन यहाँ पर टोटल मैं आपको लेक्चर दूंगा मैथमेटिक्स का, रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस, तमाम जितनी भी वैकेंसी है उन सभी का मैं यहाँ पर क्लास लूँगा, ताकि उसके अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि और भी हमको क्लास लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। बकायदे अगर ज़्यादा लोग अगर आते हैं इस पे तो मैं अच्छे से इस पे काम कर पाऊँगा। तो इसके लिए मैं काफ़ी हमने क्वेश्चन बता दिया, इसके लिए जो भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप जो है कमेंट के थ्रू या फिर जैसा भी आपको लगता है वैसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लास की स्टॉप करता हूँ। ओके, थैंक यू। आप दुनिया में आए हैं और ऐसा काम करके जाइए जो कि आपका एक पहचान बन जाए, आप के आसपास में चाहे आप कोई भी वर्क कर रहे हैं किसी भी फील्ड में हो, आप अच्छे से काम कर रही है, ठीक है। और जो भी आपके आसपास में समाज में रह रहे हैं उनको आप सुधारने की कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि आज के माहौल में मेरे हिसाब से ऐसे क्या ही स्टूडेंट हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी इनकम हो 10,000, 15,000, 20,000 XYZ कुछ भी अगर आपका इनकम हो, तो उसमें से आप 200 रुपया 300 रुपये एक स्टूडेंट पर हर आदमी अगर निकाले ना, जो भी बच्चे यहाँ पे आसपास में घूम रहे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट का अगर पैसा निकाले बस 200-300 रुपया, तो उसी एक बच्चे के एक आदमी के बारे में सोचे ना, तो जितनी भी आपके आसपास में जो बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते हैं गरीबी की वजह से, ठीक है, और कई भी हैं जो गरीब को वजह से जो है नहीं बोल पाते हैं लोगों से, तो आप उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, तो उनको आप हेल्प कीजिए। क्योंकि ये आपका मकसद नहीं है कि आप पढ़े लिखे शादी ब्याह हुआ बाल बच्चों के साथ रहें और मर गए, ये मान नहीं रखता है। आप थोड़ा सा समाज है आपका वहाँ पे सही कीजिए, है ना। क्योंकि मैं भी एक अच्छे लेवल पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसको आगे और भी आगे बढ़ा ले जाऊँगा। मैं एक यूट्यूब को चुना हूँ और इसको मैं और आगे ले जाऊँगा, ठीक है। तो आप यही आपसे है कि जो भी आपके आसपास में समाज के लोग रह रहे हैं उनको आप पढ़ाइए, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको पढ़ाइए, ठीक है। आप हर जिस फील्ड में हो आप उस फील्ड को अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिए, आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि वह जो बच्चे निकलेंगे वो आपका हमेशा यादगार करेंगे, वो बच्चे जो है आपको हमेशा रेस्पेक्ट भी करेंगे। तो आप इन बच्चों को उठाइए और इन बच्चों को पढ़ाइए, ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।